लोकसभा चुनाव का इस महापर्व में इस बार पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के अलग अलग सभी पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें लगी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के महिलाओं और पुरुषों ने अपने अधिकारों का प्रयोग सुबह सुबह अधिक किया। यही नहीं बल्कि तपती गर्मी में लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार भी किया और अपने अधिकारों का प्रयोग का मौका मिलने पर कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। और इस बार तो वोट करने के लिए टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चलाए गए थे। 5 वर्षों के बाद आने वाले लोकशाही पर्व के लिए लोग अधिक जागरूक और उत्सुक दिखाई दिए। इस बार हुए मतदान में सभी पुरुष और महिलाओं ने अपना उत्साह दिखाया। आपको बता दें कि शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। यही नहीं बल्कि सभी लोगों ने मताधिकार के प्रयोग के लिए सुबह के समय अधिक दिलचस्पी दिखाई, जबकि लंबी लाइन होने के कारण इन सभी को वोट करने के लिए दोपहर तक इंतजार करना पड़ा। कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।